नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे आरएस 2016 का मेंस का पेपर फर्स्ट कॉम। सबसे पहले हम बात करते हैं 2016 के पेपर में ये अनुदेश है जिसको आप पढ़ लेना। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। ये छोटे क्वेश्चन है, दो दो नंबर के, 15-15 शब्दों में आंसर देना। घोसुंडे अभिलेख का क्या महत्व है? दोस्तों, घोसुंडे अभिलेख में सर्वप्रथम राजस्थान में वासुदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है और राजा सर्वता द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख भी इसमें मिलता है। और भी इसके एक दो विशेषताएँ और वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका हमें 15 शब्दों में आंसर देना होता है। नेक्स्ट, भारत में बौद्ध व जैन धर्म के अतिरिक्त किन्हीं दो अन्य सर्वाधिक धार्मिक संप्रदायों के नाम लिखे? तो बौद्ध और जैन के अलावा अन्य सर्वाधिक धार्मिक संप्रदाय एक तो हो गया लोकाय धर्म, उसका लोकाय धर्म हो गया, लोकाय धर्म हो गया और दूसरा आजीविक धर्म हो गया। ठीक है, अकबर के काल में लिखे गए दो फारसी ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। अकबर के काल में लिखे गए दो फारसी ग्रंथ, एक तो अकबरनामा हो गया, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा, और नेक्स्ट एक हम बता सकते हैं एक हो गया गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उन्होंने किस दल का गठन किया? दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था, जो वर्तमान में बलूचिस्तान है वहाँ के लीडर थे और इन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन किया और इन्होंने भारतीय विभाजन का विरोध भी किया था और गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने योगदान दिया। नेक्स्ट, श्वेत जाति पर भार वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी, यह अंग्रेज़ों द्वारा दी गई थ्योरी थी कि भाई इन्होंने भारतीयों को असभ्य बताकर उनको सभ्य बनाने का दावा किया और ये अपने ऊपर ये कहते थे कि ईश्वर ने हमें हम श्वेत जाति को तुम जैसे असभ्य लोगों को सभ्य बनाने का भार सौंपा है, इसी आधार पर हम आप पर शासन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 50-50 वर्ड में हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मैं बताता जाऊंगा जो जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, कुछ को हम छोड़ भी देंगे और देखेंगे भाई कौन से पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से पार्ट से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है। राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं की विवेचन कीजिए। दुर्ग स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं, दोस्तों राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान में सभी प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। राजस्थान में जल दुर्ग भी है और पहाड़ी दुर्ग भी है, मरु दुर्ग भी है और राजस्थान के दुर्ग, ज़्यादातर दुर्ग पहाड़ों पर बनाए गए थे और दुर्गों की बहुत सारी विशेषताएं जो हमें यहाँ पर 50 शब्दों में यानी कि 10 विशेषताएं, 5 या 10 विशेषताएं हमें यहाँ पे लिखनी है। मध्यकालीन भारत में निर्गुण भक्ति की समृद्ध परंपरा थी। दोस्तों, जो निर्गुण भक्ति थी उसके बारे में यहाँ पर 50 शब्दों में लिखना है। निर्गुण जो कि ईश्वर के निराकार रूप में पूजा करते थे, इसमें कौन कौन आगे? कबीर आगे, नानक आगे, और कबीर नानक और भी बहुत सारे संत इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला को बूंदी और किशनगढ़ शैली की समानता और भिन्नता को रेखांकित कीजिए। तो राजस्थान की चित्रकला है उसमें बूंदी की कला और किशनगढ़ शैलियों में क्या क्या समानता है और जो भिन्नता है उनको रेखांकित कीजिए। दोस्तों, जो बूंदी चित्रकला है उसमें पशु पक्षियों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और खजूर के वृक्ष का भी ज़्यादा
चित्रण मिलता है, वो जो किस नगर से लिया है, उसमें प्रेम पर ज़्यादा चित्रण किया गया है। इसके अलावा सफ़ेद और नीले कलर का प्रयोग किया गया किशनगढ़ शैली में, और भी बहुत सारी समानताएँ भिन्नताएँ वो यहाँ पर हमें लिखनी है। नेक्स्ट, मुगल स्थापत्य में शाहजहाँ के योगदान का विवेचन कीजिए। दोस्तों आप सभी को पता होगा मुगल स्थापत्य में शाहजहाँ के काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसने क्या क्या परिवर्तन किए, पहले तो वो हम देख सकते हैं कि इसने लाल पत्थर की जगह सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करना शुरू कर दिया, और इसने जो आज बहुत सारी अच्छी अच्छी इमारतें बनाई, जिसमें हम देख सकते हैं आगरा का ताजमहल, अपनी पत्नी की याद में इसने आगरा का ताजमहल बनाया। नेक्स्ट, दिल्ली का लाल किला इन्होंने बनवाया, शाहजहाँबाद के नाम से दिल्ली में नगर बसाया, और इसके अलावा भी इनका स्थापत्य कला में और भी बहुत सारे निर्माण कार्य इसने करवाए। जो इलाहाबाद के किले थे उसके अंतर्गत बहुत सारी इमारतों का इन्होंने निर्माण करवाया। नेक्स्ट, किस प्रकार 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था? 1857 का विद्रोह की क्या क्या भूमिका रही, अभी हमें यहाँ पे ये बताना है। इसमें अठारह के विद्रोह भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। अठारह के विद्रोह से क्या क्या परिवर्तन आएंगे, इस क्वेश्चन का एसेंस ये है। इसके आधार 1857 के विद्रोह भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ था। इसके बाद में क्या क्या परिवर्तन आए, एक तो अंग्रेज़ों ने जो देशी रियासत है उनके राजाओं से सहयोग की नीति अपनानी शुरू कर दी, और सेना में परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन किए। इसके अलावा जो ब्रिटिश राज्य की महारानी थी उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा जो संधियां वगैरह की थी उसका पालन करने की भी इन्होंने पूरी घोषणा की। इसके अलावा अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसके अलावा भी भाई 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 50 से 60 शब्दों में इसका आंसर देना है। अब बड़े क्वेश्चन आ गए, जिस क्वेश्चन का हमें 100-100 शब्दों में आंसर देना है। महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार एक जन आंदोलन बना दिया, हम इसको महात्मा गांधी के आगमन के साथ ही किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया, यह हमें बताना है। तो देखो, महात्मा गांधी के आगमन से इन्होंने क्या क्या कार्य किए, शुरू से हम देख सकते हैं 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, फिर असहयोग आंदोलन शुरू किया, इसके अलावा भी रचनात्मक कार्य किए। इसके बाद में इन्होंने जनता से जुड़ने के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए, जैसे सत्याग्रह किए, चंपारण का सत्याग्रह किया, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ में संघर्ष किया जिससे कि आम लोग इनसे जुड़ सके, और इन्होंने ऐसा वस्त्र धारण किए जिससे कि आम जनता को लगे कि भाई ये हमारे लिए संघर्ष कर सकते हैं। इसके अलावा सामने अज्ञा आंदोलन चलाए, जिसमें किस प्रकार इन्होंने नमक सत्याग्रह का संचालन किया उसको भी हम देख सकते हैं, और जो नमक इन्होंने नमक एक ऐसी चीज़ चुनी जिस जो आम आदमी को पहुंच में थी और आम आदमी को प्रभावित करती थी, इस कारण एक जन आंदोलन के रूप में उठाने में उसे बहुत मदद मिली। और भारत छोड़ो आंदोलन तो बहुत ही व्यापक आंदोलन था जिसमें गांधी ने करो मरो का नारा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लिख सकते हैं, इसमें कम से कम 100 वर्ड्स में लिखना है। तो गांधी जी का जो जो योगदान है, किस प्रकार जन आंदोलन बनाए, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, प्रजामंडल आंदोलन की मूलभूत विशेषताएँ क्या क्या थी। तो प्रजामंडल आंदोलन की विशेषताओं के बारे में, अब इसमें प्रजामंडल आंदोलन के हमें क्या क्या, इसमें प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, यह हमें यहाँ पे बताना है। प्रजामंडल आंदोलन की मूलभूत विशेषताएं, राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ दोस्तों, उसमें क्या क्या मुख्य विशेषताएं रही,
तो प्रजामंडल आंदोलन के बारे में बात करते हैं, तो भाई राजस्थान में ये ज़्यादातर जितने भी रियासतें थी उनमें सब में प्रजामंडल आंदोलन स्थापित हुए। इनका इन्होंने क्या कार्य किए, देखो सबसे पहले तो हम इसको राष्ट्रीय आंदोलन से उससे भी थोड़ा जोड़ सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का इनके ऊपर प्रभाव पड़ने लग गया था। और इन पहले तो प्रजामंडल आंदोलन की परिभाषा, प्रजामंडल आंदोलन एक ऐसे आंदोलन थे जिन्होंने रियासतों की जनता में अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने अपने अधिकारों उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग करी शासकों से। इसके अलावा शासकों के साथ शासकों से करों की मांगों को कम करने के लिए आंदोलन चलाए। सबसे पहले तो हम जो प्रजामंडल आंदोलन थे इन्होंने जो शासक राजा थे उनसे जनता के लिए जो मांगे थे वो मांग मानने के लिए इन्होंने आंदोलन किए। इसके अलावा जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया, अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। इसके अलावा जो पिछड़े तबके के लोग थे, गरीब लोग थे, उनको उठाने में इन्होंने मदद की, और किसानों को शोषण को रोकने के लिए इन्होंने मदद की, और जो किसान आंदोलन वगैरह थे उनमें इन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, भारतीय जागरण में स्वामी विवेकानंद का विशिष्ट योगदान क्या था। जो विवेकानंद जी ने भारत में जो जागरण पैदा हुआ, जागरण का मतलब कि जो भारत में राष्ट्रीयता की भावना का जो विकास हुआ, शुरू शुरू में भारतीय भूमि को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन करने की प्रेरणा मिली शुरू शुरू में, वो विवेकानंद ने किस प्रकार जगाए। तो सबसे पहले विवेकानंद जी के योगदान की बात करते हुए, हम इनका सबसे बड़ा योगदान तो 1913 में जो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने जो भारत की जो बात रखी, जो दुनिया के सामने भारत का जो रूप रखा, वो इनका सबसे बड़ा योगदान था। वो इनका सबसे बड़ा योगदान था वो इनका सबसे यो, बड़े योगदान के रूप में हम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट और इनके योगदान की बात करते हैं, तो इन्होंने युवाओं में आंदोलन को युवाओं में जोश पैदा किया, और इन्होंने जो पिछड़े तबके दरिद्र निवारण की अवधारणा दी, यानी कि जो पिछड़े लोग थे, गरीब लोग थे, उनको उठाने का कार्य करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे योगदान है, रामकृष्ण परमहंस मिशन के द्वारा इन्होंने क्या क्या कार्य किए वो भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण में इनका प्रमुख योगदान रहा है, इन्होंने जो जाति प्रथा थी, जो सामाजिक भेदभाव थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो राष्ट्र को एकजुट करने में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट है, प्रबोधन युग ने यूरोप के इतिहास की धारा को किस प्रकार प्रभावित किया। दोस्तों जो प्रबोधन युग की यहाँ पे बात की जा रही है, वो प्रबोधन युग यूरोप के इतिहास में, जो यूरोप के इतिहास में प्रबोधन युग आया ना, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रबोधन एनलाइटमेंट है, जो यूरोप में जो जन नवजागरण पुनर्जागरण हुआ, उससे पहले यूरोप में किस प्रकार अंधविश्वासों के खिलाफ, किस प्रकार चर्च की ज्यादतियों के खिलाफ लोगों में किस प्रकार जागरूकता आई, किस प्रकार उन्होंने तर्क वितर्क पर ध्यान दिया, मानववाद पर ध्यान दिया, तो उन्होंने किस प्रकार यूरोप के इतिहास में धीरे धीरे चेंजेस शुरू करना प्रारंभ हो गए। तो हम पूरा इसका जो इसका योगदान था, इन प्रबोधन ने क्या योगदान दिया, उसको यहाँ पे हमें लिखना है, कम से कम 100 शब्दों में हमें लिखना है। तो अब आ चुके हम दूसरे पार्ट में आ गए, हम राजस्थान में पूनम फील्ड इन राजस्थान से आप क्या समझते हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं, मिनी उपहार बाजार क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति में अंतर्निहित मूल भावना क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। दोस्तों सरकार की योजना है कि जो एग्रीकल्चर मार्केट है उनको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जोड़कर किसानों को आय को 2022 तक दोगुना करना, यह सबसे बड़ा इनका हरित क्रांति का अभिशाप क्या है। दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन के जो हानि है इसका अभिशाप मतलब इनकी ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हानिकारक प्रभाव क्या है, इसमें आय के आधार पर क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न कर दी, कहीं के किसानों की आय जो यूपी और पंजाब हरियाणा के किसानों की आय तो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बहुत सारे क्षेत्रों में और किसानों की आय नहीं बढ़ी। इसके अलावा पानी पानी का बहुत ज़्यादा सिंचाई का बहुत ज़्यादा यूज करने के कारण जल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, राज्य के बौद्धिक संपदा अधिकार पहल के अंतर्गत राजस्थान में हाल ही में किन हस्तकला को भौगोलिक संकेतकों के लिए पंजीयन हुआ है, जो बुली पोटरी है, कोटा डोरिया है। इसके अलावा उस ये क्वेश्चन है करण से संबंधित है, करण से संबंधित एक दो क्वेश्चन आते हैं मेन्स में भी और उसमें हमें यहाँ बताने हैं। इसके अलावा जो मैंने पुराने बताए लेकिन जो नए हैं वो यहाँ पे लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-5 नंबर के 50-50 शब्दों के, भारत में वित्तीय समावेशन और समावर्ती समृद्धि का अर्थ समझाइए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। सबसे पहले तो हम वित्तीय समावेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों वित्तीय समावेशन एक ऐसा टर्म है, इसका अर्थ होता है कि वित्तीय सेवाओं की पहुंच ऐसे तबकों तक होनी चाहिए जिनकी बिल्कुल भी अभी तक बैंक से संबंधित वित्तीय सेवाओं से संबंधित बिल्कुल भी पहुंच स्थापित नहीं है, समाज के या निचले तबके तक जो छोटे विकास के दौर में भी शामिल नहीं है वहाँ तक वित्तीय सेवा की पहुँच करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी समृद्धि, समावेशी समृद्धि का अर्थ है एक ऐसी समृद्धि जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को, सभी समुदायों को, सभी लिंगों को विकास की गति में शामिल करना, जो कि सबका साथ सबका विकास है की धारणा से चरित्रार्थ होता है। समावेशी समृद्धि का कॉन्सेप्ट के आधार पर समझा, समाज का कोई भी तबका विकास की दौर में पीछे नहीं रह जाए, इसमें हमें यह बताना है। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर की दोहरी संरचना क्या है, यह हमें यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि साख के लिए ब्याज अनुदान योजना क्या है। दोस्तों जो कृषि क्षेत्र में जो ऋण दिए जाते हैं अगर वो समय पर किसान समय पर ऋण चुकाता है तो उसको जैसे 7% ब्याज होता है उस पर 3% ब्याज की सरकार चुकाती है, यही ब्याज अनुदान के रूप में मिलता है। यह किसानों पर ज़्यादा ब्याज का प्रभाव न पड़े, ज़्यादा उनके ऊपर बोझ न पड़े, इसलिए सरकार के द्वारा इनको ब्याज अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है, इसका मतलब है प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना जो खनिज क्षेत्र है, जो यानी कि जहाँ पर खनिज होता है, जिन जिलों में खनिज का कार्य खनन का कार्य किया जाता है उन जिलों में विकासी गतिविधियों को बढ़ावा देना, खनिज जो खनन कार्य से लगे हुए लोग हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करना, उनकी आजीविका को बनाए रखना, जो इस क्षेत्र खनन कार्य करने के कारण जिनके सिल्कोसिस वगैरह बीमारियां हो जाती है उन बीमारी को दूर करने के लिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्य समय एवं लक्ष्य का विवरण दीजिए। देखो ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है, जो उस समय मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के उद्देश्य मुख्यमंत्री जल संरक्षण का उद्देश्य जल संसाधनों का संरक्षण करना, जो कुएं बावड़ी नदी नाले उनका संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई, जैसे हर गांव के अंतर्गत जो तालाब वगैरह थे उनकी खुदाई की गई मानसून से पहले, जिससे कि उनमें जल
भरण हो सके और वह उसका संरक्षण किया जा सके। और भी बहुत सारे इसके लक्ष्य वगैरह थे। अब 10 नंबर के क्वेश्चन आगे, जिसका 100 शब्दों में आंसर लिखना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए आपके दृष्टिकोण में क्या व्यूह रचना अपनाई जानी चाहिए? 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, हमें बताना है यहाँ पे। तो अपने विचार इसमें लिखने हैं। तो साथियों, हमें ऐसे विचार बताना है जिससे कि किसानों की आय दोगुनी की जा सके। सबसे पहला तो हमारी तरफ से ये सुझाव दिया जा सकता है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिया जाए। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा जाने दिया जाना चाहिए। इस उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो जो कृषि से संबंधित उत्पादकों का अच्छा मूल्य मिल पाएगा। इसके अलावा MSP को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे किसानों को और आय में सहायता मिल सके। इसके अलावा ऐसी कृषि गतिविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे किसानों को लागत में कमी आ सके। इसके अलावा ऐसी कृषि यंत्रों का विकास किया जाना चाहिए, सस्ते कृषि यंत्रों का विकास किया जाना चाहिए जिससे कि किसान की लागत कम हो सके। लागत कम होने के लिए क्या क्या किया जाए, यह हमें इसमें उपाय बताने हैं। इसके अलावा कौन कौन सी फसलों का ज़्यादा मूल्य मिल सकता है, ऐसी फसलें उगाई जानी चाहिए, यह हमें यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है, इसमें बहुत सारे बता सकते हैं लेकिन ये अभी तो मैंने इतना बता दिया। इसके अलावा आप अपने हिसाब से इसमें और क्वेश्चन देख सकते हैं। अपने को यहाँ पर क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चन की क्या मांग है, क्वेश्चन करंट से संबंधित है, किस संबंधित है। देखो इसमें करंट से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन अभी तक करंट संबंधित आ चुके हैं। वह हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें तो हिस्ट्री में तो क्या करंट आएगा, जो इकोनॉमिक से संबंधित है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, उसमें करंट आ रही है। अब इसमें भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2015-20 विनिर्माण और सेवा निर्यात दोनों में सहायता प्रदान करने तथा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और भारत में कारोबार को सरल बनाने में जोड़ने पर केंद्रित, इस कथन को समझाइए। इस कथन को समझाइए। भारत की नई विदेश व्यापार नीति जो 2015-20 के अंतर्गत जो विदेश व्यापार नीति है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना था। इसके अंतर्गत भारत की नई विदेश व्यापार नीति में देखो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा तो अपने आप ही अपना निर्यात बढ़ जाएगा, यह हमें देखने की बात है। दोनों में मेक इन इंडिया, अगर निर्यात बढ़ेगा तो सामान अधिक बनेगा, सामान अधिक बनेगा तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी से आएगी डिजिटल अवसंरचना को सहायता मिलेगी। इस प्रकार हम इसको जोड़कर कम से कम 10 से 15 लाइन में इस आंसर को करना है। राजस्थान में स्थापित सहभागिता ब्यूरो के क्या उद्देश्य हैं, सहभागिता ब्यूरो के क्या उद्देश्य है, आप इस क्वेश्चन का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे हम तीसरे पार्ट पे हम आ चुके हैं। सोशियोलॉजी वाले पार्ट पे सबसे पहला बात हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उन 4 भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में अग्रगामी योगदान दिया। समाजशास्त्रियों के हमें यहाँ पे नाम बताने हैं। साउथ क्वेश्चन है तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में परंपरागत रूप से जाति किस प्रकार श्रम विभाजन से संबंधित है। दोस्तों परंपरागत रूप से जाति किस प्रकार श्रम से विभाजित है, दोस्तों आपने देखा होगा वैदिक समाज में, जो वैदिक आज से 2000-2500 साल पहले जो वैदिक समाज था, उस वैदिक समाज में से ही भारत में जाति के साथ श्रम को संबंधित करने के लिए ऐसे 4 वर्ग बनाए गए जो कि श्रम से संबंधित थे। ऐसे 4 वर्ग थे, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मणों का कार्य तो पढ़ने पढ़ाने का काम था तो यह उनका श्रम हो गया। क्षत्रियों का कार्य देश की सुरक्षा करना था,
वेश्यों का काम व्यापार वाणिज्य और कृषि का कार्य, वेश्यों का काम तथा शूद्रों का इन तीनों वर्गों की सेवा करना था। ये इस प्रकार इन्होंने श्रम विभाजन से संबंधित कर रखा था। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से आपका क्या अभिप्राय है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से आपका क्या अभिप्राय है? किस प्रकार संस्कृति किस प्रकार अपने में सभ्यता को समाहित कर लेती है, यह उसको परिभाषा में देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह से आप क्या समझते हैं? बाल विवाह का मतलब हो गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का हो तो उनकी शादी अगर कर दी जाती है तो ये बाल विवाह की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, बाल विवाह के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। चाइल्ड मैरिज होने से बहुत सारे दुष्प्रभाव उसके अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित ले सकते हैं और शिक्षा से संबंधित दुष्प्रभावों के बारे में बात कर सकते हैं। और भी बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं जो यहाँ पे एक दो में लिखने हैं, तो ज़्यादा नहीं, इसके पर सिर्फ परिभाषा ही लिखनी है। चार मुख्य समस्याओं को रेखांकित करिए जिनका राजस्थान में जनजातियाँ सामना कर रही हैं। हमें इसमें चार मुख्य समस्या बतानी है जो जनजातियाँ सामना कर रही है। सबसे बड़ी समस्या जनजातियों के सामने आ गई कि उनके सामने जीवन यापन की चुनौती है, क्योंकि उनका जो परंपरागत जीवन यापन के साधन है वो बहुत कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा वन उपज का उनको ज़्यादा मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा और भी समस्या है, इसमें चार मुख्य समस्याएं लिखनी है। तो दूसरा और समस्या में हम ले सकते हैं कि उनकी जनसंख्या में निरंतर गिरावट आ रही है, उनका शोषण बढ़ता जा रहा है और उनके क्षेत्र में जो ऋण की समस्या वगैरह बढ़ती जा रही है, और भी बहुत सारे कारण हैं, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब 50-50 क्वेश्चनों वाले 50-50 शब्दों वाले क्वेश्चन आगे। जी एस गुरियो द्वारा प्रदत्त जाति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जी एस गुरियो द्वारा जो ये विद्वान थे, इन्होंने जाति का क्या विशेषता बताई है हमें बताने है। जाति में कितने गोत्र हैं, उन गोत्रों के बीच विवाह होता है, इसके अलावा दूसरी जाति में विवाह करने से क्या क्या निषेध होते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है जो यहाँ पे लिखनी है। आतंकवाद के सामाजिक परिणामों को समझाइए। द सोशल कंसिक्वेंसेज ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के सामाजिक परिणाम क्या क्या है हमें यहाँ पे ये बताना। आतंकवाद के सामाजिक परिणाम, दोस्तों आतंकवाद से सामाजिक क्या प्रभाव होते हैं, समाज में डर पैदा हो जाता है, आतंक प्रभावित क्षेत्रों में समाज का अच्छी तरह विकास नहीं हो पाता, महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण होता है, और भी सामाजिक क्षेत्र के बहुत सारे प्रभाव जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए हैं, 5-5 नंबर वाले यहाँ पे, ये दो क्वेश्चन आए। इसके बाद में ये फिर हमारे पास आ गए यूनिट थर्ड का बी सेक्शन। इसमें सबसे पहले भारार्पण से आप क्या समझ सकते हैं? डेलीगेशन, जो डेलीगेशन का मतलब ये हो गया कि जो अपना प्रतिनिधित्व करके दूसरों के सामने अपनी बात रखता है वो डेलीगेशन कहलाता है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, सेवा हेतु विपणन सम्मिश्रण से क्या समझ सकते हैं? ये दोस्तों अकाउंट से संबंधित भाषा है जो थोड़ी क्लिष्ट होती है, तो इसको थोड़ा सहन करना होता है। जो हमारे समझ में आता है उनको करिए, जो इसके अलावा इसको भी अच्छी तरह पढ़ने के बाद में हम यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके ज़्यादा से ज़्यादा इनके इंग्लिश वर्जन को देखने के बाद में हमें पता चल सकता है ये पूछना क्या जाता है। व्हाट कंस्टिट्यूट्स मार्केटिंग मिक्स फॉर ए सर्विस। नेक्स्ट है, एक कंपनी की पूंजी संरचना क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी में पूंजी संरचना का मतलब ये हो गया
उसने मशीनों पर कितना पैसा लगाया, इसे मानव पूंजी को भी इसमें गिन सकते हैं और मौद्रिक पूंजी को भी इसके अंतर्गत गिन सकते हैं। भर्ती व चयन में अंतर बताइए, रिक्रूटमेंट व चयन में अंतर बताइए। भर्ती तो किस प्रकार जो ग्रास रूट लेवल से जो भर्ती की जाती है, यानी कि भर्ती तो छटनी की जाती है, जबकि चयन जो सामने उपस्थित होते हैं उनका, उनमें से जो अच्छा लगे उनका चयन कर लिया जाता है। और भी इसका क्राइटेरिया, उस आधार पर मैं इनका अंतर बता सकते हैं। साधारण अंश से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डिनरी शेयर। अंश का मतलब होता है जो कंपनी में जो धारिता होती है, यानी कंपनी में अपना भाग कितना है वो। अब इसमें साधारण अंश का मतलब हो गया कि भाई जिसको कंपनी में वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, बस वो सिर्फ लाभ ही अपना बंटवाता हो, वही अधिकार लेना चाहिए, वही इसमें शामिल है। नेक्स्ट है छोटे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है चक्र श्रृंखला और व्रत सूचना तंत्र समझाइए। चक्र श्रृंखला एवं व्रत सूचना तंत्र समझाइए, एक्सप्लेन व्हील चैन एंड सर्कल। हमें यहाँ पे ये बताना है। नेक्स्ट उत्पाद जीवन चक्र की विभिन्न अवस्था को समझाइए, उत्पाद जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, अब इसको इंग्लिश में पढ़ते थोड़ा बहुत अपने समझ में आने लग गया कि उत्पाद के जीवन क्या, लाइफ साइकिल क्या होती है, यानी कि उत्पाद को, उत्पाद बनाया गया उसके बाद में उसका उपयोग किया गया, वापस उपयोग करने के बाद में उसको रिसाइकिल किया गया, फिर उसको वापस उपयोग कर लिया गया, ऐसे किस प्रकार उसकी विभिन्न अवस्था, यह हमें यहाँ पे बतानी है। फिर इसका सी सेक्शन में वित्तीय विवरण विश्लेषण की कोई दो उद्देश्य, वित्तीय विवरण का विश्लेषण क्यों किया जाता है, वित्तीय विवरण का विश्लेषण करने का इसकी दो, इसका उद्देश्य होता है कि सरकारी नीति का किस प्रकार उपयोग किया गया, या उद्देश्यपूर्ण उपयोग किया गया, या बिना किसी से भ्रष्टाचार थोड़ी किया गया है, यह इसका दो चयन उद्देश्य है। शुद्ध कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते, नेट वर्किंग कैपिटल, जो कहने मतलब जो कार्यशील, कार्य करने वाली पूंजी है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। शुद्ध कार्यशील पूंजी, ये कैपिटल मार्केट संबंधित क्वेश्चन है। डिफाइंड सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन को परिभाषित कीजिए। तो सामाजिक लेखांकन का मतलब ये होगा, सोशल ऑडिटिंग का मतलब कि समाज में जो पिछड़े तबके हैं, गरीब तबके हैं, उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है, ये क्या वे सोच उनको सोच सोच की सुविधाएं मिल रही है, उनको स्वच्छ पानी प्राप्त हो रहा है, उनको पेयजल की कोई समस्या तो नहीं है, और कौन सा कार्य उनके लिए किया गया, इसमें यह हमें बताना होता है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व लेखांकन की दो सीमाएं लिखे, राइट एनी टू लिमिटेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उत्तरदायित्व लेखांकन कोई दो सीमाएं यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट आ गया राइट फॉर्मुलेट ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात। ऋण क्षमता अनुपात ही हो गया कि कितना ऋण ले रखा है, जीडीपी के अनुपात में कितना ऋण ले रखा है, कितना चुकाना है, ये यहाँ पे बताना। शोध क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो, शोध क्षमता अनुपात का मतलब ये हो गया कि भाई जो इंसॉल्वेंसी दिवालियापन वगैरह घोषित हो जाती है उनमें कितना वापस प्राप्त हुआ है, ये सॉल्वेंसी हो गया। नेक्स्ट इस तीव्र लॉसफुल बजट में कोई पांच अंतर बताने हैं हमें, गिव द फाइव डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। देखो फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट में पांच अंतर यहाँ पे बताने हैं। लॉसफुल बजट में तो क्या होगा कि जो भी मद हैं उनको एक दूसरे में थोड़ा फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया उनका उपयोग अच्छी तरह किया गया हो, जबकि जो स्थिर है उसमें फिक्स है कि भाई इसमें में उसका यूज करना होता है। इसके अलावा और भी अंतर में पे देख सकते हैं। उत्तरदायित्व लेखांकन का अर्थ उत्तरदायित्व केंद्रों के नाम लिखे, राइट द मीनिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड द नेम ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी
सेंट्रस। उत्तरदायित्व लेखांकन का अर्थ है उत्तरदायित्व केंद्रों के नाम यहाँ पे बताने, और ये लास्ट है क्वेश्चन है। तो साथियों हमें हमें इसमें पता लगा कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें थोड़े करंसी रिलेटेड 2 या 4 क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए। इसके अलावा अकाउंटिंग और एक कैपिटल मार्केट के थोड़ा हार्ड पड़े क्वेश्चन, तो इनको थोड़ा हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा सोशियोलॉजी और हिस्ट्री है उसका तो जो पार्ट है वही आया है, उसको हमें करना है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।